कोहिनूर गोलखंड की किसी कान से निकला था। ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। वजन 38.2 ग्राम, बेरंग था लेकिन हर रंग को 100 गुना बढ़ाकर मुनक्कस करता था। ये मराठा राजपूतों महाराजों से होता हुआ अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा और फिर ये बादशाहों के हाथों से फिसलता चला गया। खिलजी खानदान से लोदी खानदान में आया। जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पानीपत में जंग हुई। कोहिनूर लोधियों से मुगलों के पास आ गया। नादिर शाह दुरानी ने 1739 में दिल्ली फतह किया। अहमद शाह रंगीला बादशाह था। बादशाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा लिया। जासूसों ने नादिर शाह दुरानी को इत्तला कर दी कि ये हीरा अहमद शाह रंगीला की पगड़ी में है। दुरानी ने दरबार सजाया, अहमद शाह रंगीला को सामने बिठाया और कहा, हम दोनों आज से पगड़ी बदल भाई हैं। ये ऐलान करके इसने अपनी बौसीदा सी पगड़ी अहमद शाह के सर पर रख दी और इस कीमती तरीन पगड़ी को उतार कर अपने सर पर सजा लिया। दरबारियों ने वाह वाह, सुभान अल्लाह के नारे लगाए और नारों की आवाजों में दुनिया के कीमती तरीन हीरे की मिल्कियत बदल गई। ये मुगलों से दुरानियों में मुंतकिल हो गया। 1747 में नादिर शाह दुरानी का कत्ल हो गया। रियासत ईरान और अफगानिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गई। अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली के हिस्से में आ गया। अब्दाली ने कोहिनूर को भी हड़प कर लिया। इसके बाद ये अब्दाली खानदान में चलता हुआ अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह शाह शुजा तक पहुंच गया। शाह शुजा को 1809 ईस्वी में जान बचाकर अफगानिस्तान से भागना पड़ा। ये 1813 में पंजाब पहुंचा और राजा रंजीत सिंह से पनाह की दरखास्त कर दी। रंजीत सिंह को कोहिनूर की भनक पड़ चुकी थी। रंजीत सिंह ने यह हीरा शाह शुजा से तलब किया, मगर शाह ने जवाब दिया कि इस हीरे को कर्ज के इवज काबुल के ताजरों के पास बतौर रहन रखवा चुका है। इस पर महाराजा रंजीत सिंह गजबनाक हो गया। इसने शाह शुजा के खानदान को अंदरूने लाहौर मुबारक हवेली में सख्त पहरे में रखा। गर्मी का मौसम था, मई के आखिरी अयाम थे, इनका खाना पीना बंद करवा दिया। भूख और प्यास से मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तीन दिन की नाकाबले बर्दाश्त जिल्लत और सख्तियों से तंग आकर शाह शुजा ने हीरा रंजीत सिंह के हवाले करने का फैसला किया और शर्त आयद की कि वो कोहिनूर हीरा खुद महाराजा के हवाले करेगा। ये सुनकर महाराजा बहुत खुश हुआ और इसने खुद जाकर माजूर बादशाह से मुलाकात की और वो हीरा हासिल किया। कोहिनूर हीरा हासिल करने के बाद महाराजा को शायद अपनी किस्मत पर यकीन ना आया। रंजीत सिंह ने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत, जिसके जरिए हर बादशाह ने इसे हासिल किया। मेरे आबाओ अजदाद ने इसे ताकत से हासिल किया और अब तुमने मुझसे इसको ताकत के जरिए हासिल कर लिया। कल कोई और इसे ताकत के जरिए ही हासिल कर लेगा। ये हीरा महाराजा रंजीत सिंह की खिलत की जीनत बना रहा। 1839 में महाराजा का इंतकाल हो गया। इसके बाद खालसा दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। सिख कौम आपस में टकराती रही और कमजोर हो गई। 1846 में सिख अंग्रेज जंग में सिखों को शिकस्त हुई। ये हीरा भी बरतानिया के कब्जे में चला गया। सिख हुक्मरान महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा बरतानिया के हाथ लगा और ये हीरा सर लॉरेंस गवर्नर पंजाब के पास मौजूद रहा। सर लॉरेंस को एक हुक्म मिला कि खुफिया तौर पर यह हीरा लंदन भेजा जाए। इस हुक्म की फौरी तामील हुई। लंदन में इस हीरे को तराशने के बाद ये ताज बरतानिया की जीनत बनाया गया। अब ये हीरा ताज बरतानिया की जीनत है और इसकी अजमत चमक दमक की बना पर अक्सर चीजों वगैरह का नाम कोहिनूर रख दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी वीडियोस बनाई जाएं तो उन टॉपिक को कमेंट्स में जरूर लिखिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियोस।